नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में कई सारे मुद्दे इन दिनों चल रहे हैं। विधानसभा में निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसे लेकर के आज मुख्यमंत्री निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन बता दें आपको कि जहां एक तरफ जातिगत जनगणना का मुद्दा सबसे जोरों पर है, सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, वहीं कश्मीर में बिहारियों की हत्या पर भी लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन सब मुद्दों पर बयान लिया गया है, इन सब मुद्दों पर बातचीत की गई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहारी मजदूरों की हत्या पर बात की गई तो उनका कहना था कि केंद्र सरकार इस पर जांच कर रही है और राज्य सरकार से जो कुछ भी मुमकिन होगा हम सहायता करेंगे। और जातीय जनगणना पर भी उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। जनगणना का एक एक चीज तय हो चुका है। आपको तो आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग एक साथ बैठ करके बता चुके हैं। उसके बाद उसी के आधार पर कैबिनेट का डिसीजन हो चुका, वो हो गया। उसके लिए जो विभाग है अब वो पूरी तैयारी कर रहा है कि जिन लोगों को इसमें करना है तो सारा काम उसके लिए तैयारी कि जिन लोगों को भी इस काम में लगाया जाएगा उनको एक साथ करना, फिर उनका ट्रेनिंग करना, एक एक तरह का चीज़ की तैयारी शुरू हो चुका है। तो सर, क्रेडिट लेने के और लेकिन हाँ, अभी तत्काल काम शुरू करने में तो थोड़ा समय लगेगा। कम से कम एक आध महीना के अंदर बाकी सब तैयारी होगी, तब से काम शुरू होगा। और आप जान लीजिए कि ये जो गन्ना है ये एक एक चीज का गन्ना है, हर समुदाय का, हर तरह का, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सब का पूरा और सब का ये भी जानने की कोशिश होगी कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो बहुत अच्छे ढंग से किया जाएगा, एक एक तरह का, हर परिवार का। और उसके बारे में तो हम बता चुके हैं, हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के सब बात किए, तो उसमें किसी प्रकार का नहीं, बहुत अच्छा बनेगा। एक बार जो गिनती दे हो जाए ना, दीजिए ना गन्ना, और इतना बढ़िया से होगा। और बराबर हम लोग पार्टियों को जानकारी देते रहेंगे, ये भी हमने कह दिया, ताकि सबको ये मालूम हो, वो अपनी तरफ से भी देखते रहें, कोई उनको लगे कि भाई यहाँ पर और होना चाहिए तो इसका सुझाव भी देंगे। तो इसलिए ये सब बात होगा, लेकिन सबकी सहमति से ही बात हुई। ऐसा मत समझिए कि बिना सहमति के हुआ, सर्वसम्मति से तय हुआ और बहुत अच्छा होगा, आप देखिएगा। तो जैसा कि आपने सुना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर कहा है कि जातीय जनगणना सबकी सहमति से होने वाली है और सारी पार्टियों की सहमति है। जब इनसे ये पूछा गया कि हर कोई अपनी क्रेडिट ले रहा है इस जातीय जनगणना को लेकर के, तो उनका कहना था कि सबकी सहमति से ये कराया जाएगा और इससे आने वाले वक्त में बिहार के जो लोग हैं उन्हें लाभ पहुंचेगा और जातिगत का भी जनगणना होगी, यानी कि जातियों की भी गणना होगी और साथ साथ आर्थिक गणना की भी उन्होंने बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक गणना भी कराई जाएंगी। और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।